3 जुलाई टू 9 जुलाई, मतलब ये जो वीक है, मतलब ये जो सप्ताह है, आपके राशि के अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं। अपने जीवन में पहले ही बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और अब आराम करने और अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का समय है। जीवन में किसी के साथ के मूल्यों को समझे और अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का उपयोग करें। मेष साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आप बहुत जल्द आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनुकूल परिवर्तन देखेंगे। आप अपने आप को एक अच्छा समय दे, आप खुद को खुश रखने के लिए कोई कसर ना छोड़े। जीवन में बड़ी जिम्मेदारियों के कारण आपको अपनी पर्सनल लाइफ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप बहुत व्यक्ति है, आप वो व्यक्ति है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के बेहद करीब है। अपने काम से कुछ समय निकाले और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताए। वे बहुत प्यार और स्नेह के साथ प्रतिक्रिया करेंगे जो आपके जीवन को और भी आराम और संतोषजनक बना देगा। ये एक नया घर खरीदने के लिए एक अच्छा समय है जहां आपको अपनी रचनात्मकता का पता लगाने के लिए बहुत जगह मिलेगी। प्रोफेशनल रूप में आपको जीवन में अच्छे अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के मुश्किल परिस्थितियों का अनुभव किया है, अब बेहतर भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का समय है। सितारे आपके लिए भाग्यशाली है और आपको अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के कोई अवसर मिलेंगे। अभी अपने प्रोफेशन में लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। अपनी वित्त की अच्छी, मतलब प्रोफेशन फाइनेंशियल जो होता है, वित्त की अच्छी देखभाल करें ताकि आप जल्द या बाद में प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों का शिकार ना हो। ये आपकी वचन पर ध्यान केंद्रित करने का एक आदर्श समय है। इसके अलावा आपको अपने कुछ संसाधनों को फायदेमंद जगह में निवेश करना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द अपने वित्त में सुधार कर सके। जब भी आवश्यक हो प्रोफेशनल मदद लेना एक अच्छा विचार है ताकि आप महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बड़ी गलती ना करें। आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी और आप अपने रिश्ते पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। शुरुआत में चीजों को ठीक से हल करना हमेशा एक अच्छा निर्णय होता है ताकि आपको बाद में झगड़े या असहमति का सामना ना करना पड़े। मेष प्रेम राशिफल 2023 सलाह देता है कि आपको अपने रिश्ते में अब संवेदनशील मुद्दों को सावधानी और चिंता के साथ संभालना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात रखने दे ताकि आप इसमें शामिल भावनाओं को समझ सके। ये सप्ताह आपको धैर्य और आशावाद की शक्ति दिखाने वाला है। जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को हासिल करने के लिए ताकत और साहस की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी आपको हर बार एक कदम पीछे हटने की आवश्यकता महसूस होगी। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में संभावित बाधाओं को समझना चाहिए। जब भी आवश्यक हो महत्वपूर्ण परिवर्तन करें ताकि आप जीवन में लंबे समय में
लाभ का आनंद ले सके, अपने भविष्य के बारे में सोचे और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाए। प्रिय वृषभ राशि वालों, ये सप्ताह आप अपने कौशल को बेहतर तरीके से दिखाने का एक शानदार समय है। आपको कुछ रोमांचक अवसर मिलेंगे जिनका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए लाभ उठाना चाहिए। इन अनुभवों के माध्यम से आप अपनी क्षमताओं के बारे में अधिक जानेंगे और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के तरीके ढूंढेंगे। वृषभ साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि इस प्रतिक्रिया के दौरान आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे और जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हो जाएंगे। अभी आपके लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। वे एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाएंगे जहां आप स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। आराम करने के लिए कुछ समय लेना अभी महत्वपूर्ण है। नई दोस्त बनाने की कोशिश करें और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इस प्रकार आपकी दुनिया भी बढ़ेगी और आप मन की शांति प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको अपने काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करें ताकि आपके बॉस भी आपके बारे में सोचे। आप ही के पास अपनी सफलता की कुंजी है और अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने का समय है। अपने करियर में आवश्यक बदलाव करें ताकि आप समय और अपने करियर में आवश्यक बदलाव करें ताकि आप समय आने पर सही अवसरों का उपयोग कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएंगी और आपके पास फलदायी निवेश करने के अवसर भी होंगे। अपडेट रहना और अपने पैसे में को जिम्मेदारी से संभालना महत्वपूर्ण है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप मदद ले सकते हैं, लेकिन सतर्क रहे और अपनी वित्तीय जानकारी को निजी रखे। वित्तीय मतलब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है, फाइनेंशियल जो होता है उसको वित्तीय कहते हैं। अपनी वित्तीय जानकारी को निजी रखे। अपने पार्टनर के साथ पहले रिश्ते पर ध्यान दे ताकि आप छोटी गलतफहमियों को अपने स्पेशल कनेक्शन को बर्बाद ना करने दे। कुछ चीजों पर असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बीच के प्रेम को भूल जाए। पर्सनल लाइफ में ऐसे मुद्दे हर किसी के साथ होते हैं और इसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, तभी आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। इस सप्ताह आप पर्सनल कमिटमेंट्स और अपने व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। याद रखें कि आपके जीवन को आकार देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरों की बातों से विचलित ना हो। आप अपने क्षमताओं और विशेष चीजों को जानते हैं जो आप कर सकते हैं। इस सप्ताह खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालें। इस तरह आप जल्द ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रिय मिथुन राशि वालों, आपके लिए जुलाई का ये सप्ताह सफल रहेगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपने आखिरकार अपने सही इरादों को पहचान लिया है और यही मायने रखता है।
आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और लोगों को भी प्रेरित करें। आपके पास चीजों को अपने पक्ष में करने की जन्मजात क्षमता है और अब इसका उपयोग करने का सही समय है। मिथुन साप्ताहिक राशिफल आपको सुझाव देता है कि लोगों को कुछ समय के लिए आपका मार्गदर्शन करने दे, क्योंकि आप सफलता की ओर जा रहे हैं और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हैं। आपका निजी जीवन उत्सवों से भरा रहेगा। अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहे और अपने इरादे स्पष्ट करें। अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। उनके साथ आउटिंग प्लान करें और उन्हें खुशी और गर्व महसूस करवाने पर ध्यान केंद्रित करें। घर में बहस और गलतफहमी जैसे कुछ मुद्दों हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें हल करने में सक्षम होंगे। अपने प्रोफेशन को गंभीरता से ले और एक स्थिर करियर के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखें। करियर चुनते समय अपनी ताकत और कमजोरी को इतना भी महत्वपूर्ण करियर चुनते समय अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना भी महत्वपूर्ण है। अपने कलीग्स के साथ अपने संबंधों में सुधार करें, जिससे काम पर शांतिपूर्ण वातावरण बनेगा। अपने बिंद को बुद्धिमानी से मैनेज करें, मैंने फाइनेंशियल जो होता है बिंद कहते हैं, अपने बिंद को बुद्धिमानी से मैनेज करें और नियमित रूप से उसकी समीक्षा करें। अपनी सेविंग्स को बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़े ना रहने दें। एक स्थिर जीवन के लिए निवेश के अवसरों की तलाश करें। आपका परिवार आपकी वित्तीय स्थिति को समझने और आपका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मिथुन राशि का धन और बिंद राशिफल 2023 यही संकेत देता है। अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन और रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना सामान्य है, लेकिन उन्हें उस बॉन्ड को बर्बाद ना करने दे जिसका आपने इतने लंबे समय तक आनंद लिया है। इस सप्ताह आप अपने बारे में जानने के लिए समय निकालें। अपने बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं और राय की खोज करें। अपने जीवन में एक तरह अंतर बनाएं और आप देखेंगे कि ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करता है। जल्द ही आप चुनौतियों को दूर करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त कर लेंगे। प्रिय कर्क राशि वालों, आपके लिए ये एक शानदार सप्ताह होगा। आप जीवन का पूरा आनंद लेंगे। कर्क साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपको एक आदर्श जीवन बनाए रखने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन के महत्व को समझेंगे, जो आपके मानसिक कल्याण में सुधार करेगा। अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए अपने करियर के जरूरी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपके लिए अभी धैर्य महत्वपूर्ण है, जिससे सकारात्मक परिणाम लेंगे। आपके परिवार को आपके काम के प्रति आपकी कमिटमेंट को समझने की जरूरत है। संघर्षों से बचने के लिए घर पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपसी समझ होना महत्वपूर्ण है। आप लोगों को आसानी से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
इसलिए अपने दिमाग को फ्रेश महसूस करवाने और आनंददायक यादें बनाने के लिए इस सप्ताह नई दोस्त बनाएं। प्रोफेशनल रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे और ये आपको सामान्य रूप से आप अपने करियर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जीवन में शॉर्टकट के माध्यम से प्राप्त करना कर सकते हैं। केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपनी चाल को इस तरह से रणनीति बनाना कि आप हर किसी से पहले सफलता प्राप्त करें। आपको अभी अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनाए रखने की भी आवश्यकता है। अपने बिंद का ध्यान रखें और सुधार की दिशा में काम करें। ऐसा समय भी हो सकता है जब आपका बहुत अधिक खर्च करने का मन करता है, लेकिन अपनी सेविंग्स की सुरक्षा के लिए इस पर कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपका परिवार आपका समर्थन करता है और पैसे के मूल्य को समझता है। आपके बिंद में अनुकूल परिवर्तन जल्द ही होंगे जिससे आप महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। आपकी लव लाइफ में आपको एक सुखद अनुभव होने जा रहा है। यह आप आसानी से दूसरे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्यक्तित्व खो देंगे और आंख मूंद कर अपने प्यार का पालन करेंगे। जीवन में रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें भी होती है। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो उन रिश्तों से बाहर निकले और स्वतंत्र महसूस करें। आप देखेंगे कि आगे तक बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। ये सप्ताह एक अद्भुत समय होने जा रहा है। आपके पास उदास और अकेले होने के वजह ध्यान देने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें होंगी। अपने बारे में अधिक जानने के अवसर का उपयोग करें। आप अपने परिवार में किसी सेलिब्रेशंस की भी उम्मीद कर सकते हैं जो आपको अपने मन और शरीर को फ्रेश फील करने में मदद करेगा। हालांकि अभी आपको अपनी करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रिय सिंह राशि वालों, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक लाभदायक समय होने जा रहा है। आपको अपनी क्षमताओं के साथ अपने जीवन को संतुलित करने पर ध्यान देना चाहिए। सिंह साप्ताहिक राशिफल आपको उन चीजों पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है जिन्हें आप जीवन में आसानी से जीत सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सिर्फ असफल होने के डर के कारण जाने दिया जाए। अपने आसपास के लोगों को के बारे में अधिक जानने के लिए इस सप्ताह का उपयोग करें और जो जीवन में आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। पर्सनल रूप से ये एक महान समय होगा जब आप एक शांतिपूर्ण जीवन के अपने विचारों को विकसित कर सकते हैं। इस दौरान अकेले रहना और अपनी भावनाओं को समझना आपके लिए बेहतर है। ये आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करेगा और अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वोत्तम विकास लाएगा। अपने भाई बहनों का ख्याल रखें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। यदि आप अभी भी सिंगल हो है तो शादी के बारे में सोचने का ये एक अच्छा समय है।
सिंह करियर राशिफल 2023 आपको जीवन में बेहतर प्रोफेशनल लक्ष्य बनाने की सलाह देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रहों की चाल आपके करियर में सकारात्मक वृद्धि का संकेत देती है। आपको कुछ बेहतर करने के लिए अपना समय और ऊर्जा निवेश करने की आवश्यकता है ताकि आप बाद में पछताने से बच सके। यदि आप यही निर्णय लेने में सक्षम है तो ये आपके प्रोफेशनल करियर का सबसे अच्छा चरण होगा। आपको अपने बिंद को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की देखरेख में संभालना चाहिए। बिंद मतलब फाइनेंशियल को आपका बिंद कहते हैं। आपको अपने खर्च पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप उन सभी पर नियंत्रण रख सके। इसका अधिकांश हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस सप्ताह किस प्रकार का निवेश करते हैं। अपनी वित्तीय स्थितियों को समझें और उसके अनुसार व्यवस्था करें। अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ऐसा होने जा रहा है जिसे आप हमेशा के लिए संजो सकते हैं। आपके पास एक अच्छा रिलेशन और आप इसे जानते हैं, इसलिए इसे सीक्रेट रखना और अकेले में अपने रिश्ते का आनंद लेना बेहतर है। ये सच है कि लोग आप दोनों के बीच किसी न किसी तरह की मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां आपको लोगों की भावनाओं को समझने में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। ये सप्ताह आपके लिए जीवन में सीखे गए महत्वपूर्ण सबक को अपनाने और उनका विकास करने का एक शानदार अवसर होगा। विभिन्न परिस्थितियां आपको सिखाएंगी कि ये सिर्फ आपकी भावनाओं और विश्वासों के बारे में नहीं है। आपका परिवार और आपके आसपास के अन्य लोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। आप अपने आप दुनिया को एक बेहतर जगह नहीं बना सकते, इसलिए अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करें जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपके लिए किसी भी व्यक्तिगत समस्याओं से गंभीरता से निपटना महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन में अनुशासन और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भले ही इसके लिए प्रयास की आवश्यकता हो, आप और अपने परिवार दोनों को महत्वपूर्ण मूल्यों का पालन करना चाहिए। जितना अधिक आप अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, उतनी ही चीजें बेहतर बन जाएंगी। पहला साप्ताहिक राशिफल आपको सलाह देता है कि दूसरों को अपने निर्णय लेने ना दें। इस तरह आप जल्द ही सकारात्मक बदलाव देखेंगे। पैसे और बिंद जैसे महत्वपूर्ण मामलों और समस्याओं से निपटने के तरीके के बारे में अपने परिवार से बात करें। बेहतर होगा कि पूरा भार अपने कंधों पर ना ले। ये आपका कर्तव्य भी है कि आप खुद की देखभाल करें और ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अकेले कुछ समय बिताए और अपने विचारों पर सोचे। जल्द या बाद में इसका सकारात्मक परिणाम होना तय है।
आपको अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। अब अपने करियर को बेहतर बनाना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप अपने कलीग के साथ बेहतर तरीके से संवाद करते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों को ही समझना चाहिए ताकि अपना एक साथ प्रयास कर पाए। कन्या करियर राशिफल 2023 भी आपके प्रोफेशनल विकास के बारे में यही संकेत देता है। स्मार्ट तरीके से पैसे बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। ये आपके व्यक्तिगत जीवन पर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही आपकी नौकरी या प्रोफेशन आपके बिंत को बहुत प्रभावित करेगा। यदि आपके पास अब करियर बदलने का अवसर है तो ये आपको एक फिर भविष्य की ओर ले जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो प्रोफेशनल मार्गदर्शन ले और अपने बिंदु को नियंत्रण में रखें। ये अनिश्चितता का समय है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आपकी लव लाइफ शानदार रहने वाली है और आप अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से विवाहित हैं, तो आपको समझना चाहिए कि रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है। इसे अपने स्तर पर ले जाने से ना डरे। आप जीवन के सभी खुशियां डिजर्व कर सकते हैं और आपका पार्टनर आपको हर खुशी देने वाला है। वर्तमान में अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए यही अवसरों की परीक्षा करें। इस महीने का पहला सप्ताह निश्चित रूप से खास होने वाला है। आप किसी सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं और वे सभी खुशी वो आनंद से भरे होंगे। एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने अतीत से छुटकारा प्राप्त कर ले। ये सेल्फ लव की दिशा में पहला कदम है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसके महत्व को महसूस करना बेहतर है। इस सप्ताह अपने विचारों के बारे में सोचें ताकि आप खुद का एक बेहतर वर्जन बन सके। प्रिय तुला राशि वालों, जुलाई के इस सप्ताह के में आपको जबरदस्त आनंद मिलेगा। आपके भीतर जीवन के कुछ नया और रोमांचक करने का साहस और आत्मविश्वास रहेगा। ये ऊर्जा आपके काम से संबंधित प्रोजेक्ट में भी आपकी मदद करेगी। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी इरादों के साथ ईमानदार रहने और इसे दूसरों के साथ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आप उस खुशी के हकदार हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। अपने परिवार को जल्द से जल्द चीजों को हल करने की अपनी क्षमता को समझाए। उन्हें ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि आप जीवन में विभिन्न परेशानियों का सामना कैसे कर रहे हैं। ये न केवल उन्हें एक स्पष्ट विचार प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि आपके माता पिता भी मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपका सपोर्ट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति मजबूत रहे और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रोफेशनल रूप से आप पहले की तरह सफलता प्राप्त करेंगे और इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। आपको बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है और आलसी हुए बिना इसे
पूरा करना है। ये सही समय है कि आप एक व्यक्ति के रूप में आप अपनी क्षमताओं को समझे, अपनी कंपनी को आकर्षक बनाने के लिए आप जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए समान वेतन की मांग करें। आर्ट के क्षेत्र में लगे लोग भी अपने प्रोफेशन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। समय समय पर अपने बिंत पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि अगर आप बिंतीय सहायता के संबंध में किसी तीसरे पक्ष की मदद ले भी रहे हैं, तो भी आपको अपने जीवन में अपनी भूमिका को समझना चाहिए। जैसे ही आपको बिंत संबंधित कोई संदेह लगता है तो आपको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह आप अपने वित्तीय और प्रोफेशनल लाइफ को साथ साथ नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। आपका पार्टनर आपका समर्थन करेगा और ध्यान देगा कि आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें। आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल में किसी ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो आपके स्वास्थ्य में मेल खाता हो और आपको पूरी तरह से समझता हो। यदि आप अभी तक सिंगल है तो आपको इस सप्ताह कोई स्पेशल व्यक्ति मिलेगा जो भविष्य में एक अच्छे रिश्ते का सकारात्मक संकेत देगा। इस सप्ताह सामान्य रूप से जीवन के बारे में सकारात्मक रहे। आपको बस जीवन में अपने वर्तमान लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने व्यक्तित्व को अपनाकर जीवन की प्रतियोगिता में अन्य सभी से आगे रहे। आपकी विशेषता और क्षमताएं है जो आपके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। बाकी सब भाग्य पर छोड़ दे और जीवन में छोटे पलों का आनंद ले। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, ये सप्ताह एक सुखद समय होने जा रहा है जब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त करेंगे। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपको मजबूत रहने की आवश्यकता है क्योंकि आप अपनी मानसिक स्थिति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई लड़ाइयों का सामना करेंगे। ऐसे समय होंगे जब आप भारी नुकसान का सामना करने पर निराश महसूस करेंगे। हालांकि आप बहुत जल्द लड़ने और मजबूत बनने में सक्षम होंगे। आपका परिवार आपका समर्थन करेगा और आपका सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये कठिन होने वाला है लेकिन आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ कठिन समय को आसानी से पार करने में सक्षम होंगे। याद रखें, आपकी आध्यात्मिकता आपको विकसित होने में मदद करेगी। इस प्रकार आपको इसे अपने भीतर विकसित करना चाहिए, वरना आप अपने भीतर होने वाली हर चीज को समझने में विफल रहेंगे और आप उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होंगे। अपने प्रोफेशन को गंभीरता से ले क्योंकि ये एक स्थिर करियर स्थापित करने का एक अच्छा समय है। यदि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो ये समझना आवश्यक है कि आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि आप अपनी सफलताओं को भी समझे जिस पर आपको काम करना चाहिए। आपके जीवन में सुधार की गुंजाइश रहेगी। इससे अब पहले कि आप अपना धैर्य खो दे और कुछ गलत करें, इस पर विचार करें। वृश्चिक धन और बिंत
राशिफल 2023 बताता है कि आपका बिंद स्थिर होगा। बिंद मतलब फाइनेंशियल जो स्थिति होता है वो स्थिर होगा और आप उसे नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अपने सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें और फलदायी निवेश करने के लिए उनका उपयोग करें। विरासत से लाभ की भी संभावना है, इसलिए अपने बिंद की योजना बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करें। यदि आपके पास अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार करने के सही अवसर है तो अपने करियर को बदलना एक अच्छा विचार है। तब तक आपको अपनी वजन बढ़ाने के लिए आसान तरीके की तलाश करनी चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपने पार्टनर से बात करें ताकि आपको जल्दी समाधान मिल सके। ये समझना आवश्यक है कि आप अकेले हर बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही लोगों से बात करें और पता करें कि आपको क्या परेशान कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा करें और जितना संभव हो सके अपने रिश्ते में निवेश करें। यदि आप अपने रिश्ते के बारे में गंभीर है तो शादी के बारे में सोचने के लिए ये एक लाभदायक समय है। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि कैसे अधिक धैर्य रखें और सही अवसरों की तलाश करें। किसी को भी अपने प्रोफेशनल लाइफ और करियर के बारे में जरूरत से ज़्यादा ना बताएं। अपने भविष्य के बारे में सीधे सवालों से बचाना सबसे अच्छा है, खासकर अपने रिश्तेदारों से। आपको लोगों के साथ अधिक दयालु होने की कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत जल्द आपके जीवन में विभिन्न संभावनाएं बदल जाएगी जिससे बेहतर अवसरों के लिए रास्ता बन जाएगा। प्रिय धनुराशि वालों, आप इस सप्ताह जीवन में बेहतरीन पलों का अनुभव करेंगे। आप अपनी ज़्यादातर प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने में सफल होंगे और अपने पर्सनल जीवन में शांति और खुशी पाएंगे। ये अपने जीवन में हर कोई चाहता है और आपने इसे बहुत प्रयास और कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त किया है। इस प्रकार धनु साप्ताहिक राशिफल आपको जितना संभव हो सके इन पलों का आनंद लेने और आगे बेहतर अवसरों की तलाश करने की सलाह देता है। आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। आपको उनके साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। हालांकि आपको इस दौरान किसी भी तरह की बहस से बचने की भी जरूरत है, वरना आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पूरी स्थिति असहज हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने भाई बहनों से वित्तीय ऋण या प्रॉपर्टी जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक मामलों के बारे में भी बात करें। प्रोफेशनल रूप से आप एक अनुकूल स्थान पर होंगे क्योंकि आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। अपने कलीग के साथ सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। इससे आपकी और से सकारात्मक अभिव्यक्ति होगी और आप इनके इरादों को भी स्पष्ट रूप से समझेंगे। इसके साथ ही एक भी महत्वपूर्ण है कि आप गुप्त डिस्कशन में वर्तमान प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए। लाभदायक इनकम सोर्स में निवेश करके अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करें। इस समय आपको
जोखिम उठाने की जरूरत है। विभिन्न तरीकों को तलाश है जिनके द्वारा आप अपने परिवार के साथ एक स्थिर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। एक सफल वित्तीय स्थिति की मार्गति के लिए आपको पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन होना चाहिए। आपका पार्टनर आपका समर्थन करेगा और सभी स्थितियों में आप पर भरोसा करेगा। परिस्थितियों का लाभ उठाना एक अपराध होगा, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप हमेशा उस व्यक्ति के भारी रहे। आपको एक कपल के रूप में एक साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। केवल तभी आप अपने रिश्ते को अगले चरण में ले जाने के लिए पर्याप्त योग्य होंगे। जुलाई का पहला सप्ताह निश्चित रूप से आपके लिए सबसे अच्छे समय में से एक होने जा रहा है। लोगों को के इरादों और भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सके। सावधान रहे और उन स्थितियों को समझे जिनका लोग रोज सामना करते हैं। ये आपको जीवन की कठिन वास्तविकताओं का अनुभव करने में भी मदद करेगा। आत्मविश्वास और ईमानदारी इस सप्ताह आपकी सफलता के मुख्य स्तंभ होगा। प्रिय मकर राशि वालों, इस सप्ताह आपके पास अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होगी। आपको समाज में एक अच्छी जीवन शैली बनाए रखने के तरीके को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना समाज कभी कभी आपके मूल्यों को चुनौती दे सकता है और उन्हें बदलने की कोशिश कर सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के दिल में आपके हित की बात नहीं होती है, इसलिए खुशी पाने के लिए उन लोगों को चुनना महत्वपूर्ण है जो आपकी भलाई चाहते हैं। मकर साप्ताहिक राशिफल के अनुसार पर्सनल रूप से आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। ये तय करने के लिए तैयार रहे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और क्या आपको परेशानी में डाल सकता है। ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है, लेकिन आपके पास अंतर पैदा करने की क्षमता है। जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के महत्व को समझने और धैर्य के साथ सही अवसरों की प्रतीक्षा करें। आपको अपने लिए सबसे अच्छा करियर चुनने की आवश्यकता है ताकि आप अपने परिवार की देखभाल कर सके और एक स्थिर भविष्य रख सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को स्वाभाविक रूप से विकसित किए बिना उपलब्ध अवसरों के साथ अटके रहने की आवश्यकता है। बहुत जल्द आपको एक नौकरी मिलेगी जहां आप अपनी रचनात्मकता और समझ का पूरा उपयोग कर सकते हैं। तब तक आपको कड़ी मेहनत करने और दूसरों के सामने अपने योग्यता साबित करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वे अस्थिर रहने वाला है। हालांकि आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। अपने घर के बिंत को बनाए रखने में बिंत मतलब फाइनेंशियल, अपनी भूमिका का एहसास करें और विचार करें कि आप इसके बारे में तुरंत निर्णय कैसे ले सकते हैं। आपके पास सही समय पर सही काम करने की जन्मजात क्षमता है। अपने परिवार के सदस्यों को वित्तीय मामलों में शामिल करें ताकि वे भी जिम्मेदार बने।
मकर प्रेम राशिफल 2023 संकेत देता है कि आपका पार्टनर आपका समर्थन करने वाला है, इस कारण आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे और आपके पास हमेशा वो एक व्यक्ति होगा जिसके साथ आप कोई भी बात कर सकते हैं और आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं। अपने पार्टनर को लेकर कोई भी संदेह दिल में ना रखे और व्यक्ति पर पूरा भरोसा करे। मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आप अभी बस यही कर सकते हैं। अगर आप सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये शादी करने के लिए एक अच्छा समय है। ये सप्ताह आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। आप समझेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उसके अनुसार उनकी देखभाल करने में सक्षम होंगे। आप जीवन में महत्वपूर्ण चीजों का ट्रैक ना खोए, जैसे पैसा बनाना और एक स्थिर भविष्य स्थापित करना। आपके अपने जैसे जीवन का सपना देखा था उसे पूरा करने पर ध्यान दे। प्रिय कुंभ राशि वालों, पहला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है। कुंभ साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन में कुछ परेशानियों और जटिलताओं के आने का संकेत दे रहा है। आप उन्हें सही रणनीतियों के साथ हल करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसके कारण वे लौट भी सकती है। दूसरों के साथ खुद की तुलना ना करें और पहले अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपकी वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप अपने परिवार में प्रमुख मुद्दों को संभालने में सक्षम होंगे। हालांकि आपके परिवार के सदस्य आपके लिए समस्याओं पर फोकस करना मुश्किल बना सकते हैं। इसके विपरीत आपको अपने रिश्तेदारों से बहुत प्यार और समर्थन मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति का सपोर्ट ले जिसके साथ आप अपने सभी राज साझा कर सकते हैं। अभी मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अपने प्रोफेशन को गंभीरता से लेने और अपने सभी कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। काम के कारण यात्रा भी बार बार होने की संभावना है। आपके लिए एक बेहतर विचार ये है कि आप अकेले कुछ समय बिताए और इन यात्राओं का उपयोग करें। आपको अपने सीनियर अधिकारियों के सामने अपने इरादे भी स्पष्ट करने होंगे। उन्हें आपकी कीमत को समझना चाहिए और आपको उसी के अनुसार उचित काम प्रदान करना चाहिए। अपने वित्त का ध्यान रखें क्योंकि वे अब अस्थिर हो सकता है। निवेश के बारे में विचार करें ताकि आप कम समय में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सके। अपनी बचत में सुधार करें ताकि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सके। आपके परिवार को भी इस संबंध में सहयोग करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण कामों को निपटाते समय आप निराश महसूस ना करें। अपनी लव लाइफ पर पहले से कहीं अधिक ध्यान दें। आपके पार्टनर के साथ गलतफहमी होने की आशंका है। ये भविष्य में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। आपको एक कपल के रूप में लगातार बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने सभी चिंताओं को साझा कर सके।
समस्याएं और असहमति होना सामान्य है, हालांकि आपको उन्हें अपने रिश्ते बीच नहीं आने देना चाहिए। आप इस पूरे सप्ताह एक्टिव रहने वाले हैं और इस तरह आप अपने सभी संदेहों को दूर कर देंगे। आपके मन में कोई सवाल होंगे, आपको सही अवसरों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब आपके सभी संदेह स्वयं ही दूर हो जाएंगे, केवल एक चीज जो आपको हासिल करने की आवश्यकता है वो है धैर्य और दृढ़ता। अपनी भावनाओं को सबके सामने व्यक्त ना होने दे। बात करने के लिए सही व्यक्ति खोजे और उसके सामने अपनी चिंताओं को साझा करें। प्रिय मीन राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने का सुनहरा अवसर है। ध्यान दें कि आप दूसरों की कितने परवाह करते हैं और देखें कि क्या वे बदले में समान देखभाल देते हैं। यदि आप किसी भी नकारात्मक को नोटिस करते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि नई दोस्त बनाने की कोशिश काम नहीं करेगी। इस बारे में स्मार्ट बने कि आप किससे बात करते हैं ताकि आप अपने पास सच्चे रहे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक बातचीत करें और उसकी भावनाओं को विस्तार से समझें। अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ घूमने की योजना बनाएं। एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक खूबसूरत शाम के प्लानिंग करें। इस सप्ताह आप नई दोस्त भी बनाएंगे जो आपको जीवन में सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेंगे। एक साथ नई यादें बनाएं और आराम करें। मीन साप्ताहिक राशिफल के अनुसार व्यावसायिक रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे और आप अपने सीनियर से भी बहुत प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यदि आप अच्छे काम करते रहना चाहते हैं और प्रशंसा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वैकल्पिक करियर विकल्प के बारे में सोचना गलत नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक बदलाव करने का सही समय है। आपका अंतिम उद्देश्य आपके परिवार के लिए एक स्थिर भविष्य की गारंटी देना होना चाहिए। अपने बिंत का ध्यान रखें और यदि आवश्यक हो तो प्रोफेशनल मदद ले। म्यूचुअल फंड के आंकड़ों का पालन करें और किसी लाभदायक चीज में निवेश करें। ये उच्च समय है कि आप समझे कि आपकी वित्तीय स्थिति कितनी स्थिर हो सकती है। इसके अनुसार ही आपको अपने परिवार के सदस्यों को जितना संभव हो सके घर के खर्च को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। बहुत जल्द आप अपने बिंत में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और अपने रिश्ते में होने वाले किसी भी मुद्दे के बारे में बात करें। ये उन्हें हल करने का एक अच्छा समय है, क्योंकि आप दोनों के पास चीजों के सुलझाने के लिए सही संभव होगा। एक साथ समय बिताने और सभी चीजों को सुधारने पर ध्यान दें। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। अपने दिल की बात सुने। अपना सप्ताह निष्क्रिय रूप से व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर आपके लिए एक शानदार समय होने वाला है। मीन परिवार और रिश्ते राशिफल 2023 सफलता का संकेत दे रहे हैं। आप समझेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है और समाज आपको कैसे प्रस्तुत करना चाहता है।
हालांकि आपके पास अपने पक्ष में सभी अवसरों का उपयोग करने और कुछ अलग करने का आत्मविश्वास भी होगा।